Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. CAT 2022 is less than 3 months away. End of November, you have the exam, and we are already in the first week of September. So, less than 3 months away. So, what is your target? किस चीज के लिए हम CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं? टू गेट इन टू IIMs, है ना, और टॉप कॉलेजेस. सो, दिस वीडियो स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन IIMs. वी विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन नॉन IIMs एज वेल. ऑन दीज लाइन्स इटसेल्फ. ठीक है, तो अभी आईएम्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमको किस लेवल तक का स्कोर लाना है, कितने परसेंटेज लाना है, दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड नो कि मेरे को कितना लाना है. नहीं तो आप बस पढ़ाई करते जा रहे हो विदाउट नोइंग द टारगेट, ऐसा हो जाए. ठीक है, सो वी विल बी लुकिंग एट द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स. नाउ इट इज नॉट डिफिकल्ट टू हैव आईएम टेक. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव, और दिस इज व्हाट द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज, कि आईएम में जाना इतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, इफ यू हैव द राइट स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन फॉर द मॉक्स एंड इन द एग्जाम, आप आईएम जा सकते हो. ठीक है, बट देन दिस इज ट्रू फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स. ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स द कट ऑफ आर कंसिडरेबली हाई. ठीक है, अभी नाउ वी आर नॉट गेटिंग इन टू द डिबेट कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए. वी आर हियर टू टेल यू द फैक्ट्स कि ऐसे ऐसे फैक्ट्स है. ठीक है, एंड आई एम सेइंग दैट टू दैट इट इज इजी टू हैव आईएम टैग. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इजी टू गेट इनटू आईएम एबीसी, है ना. आईएम का टैग होना इजी. ठीक है, फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स. ठीक है, सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम, यू कैन कनेक्ट ऑन एनी वन ऑफ दीस टू नंबर्स. वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड आवर कैट 2022 क्रैश कोर्स. यू कैन कनेक्ट on any one of these numbers. You will be trained by CAT 99 percentilers with minimum number of students in the class. That we are training books, mobile lab, national level test series will be provided to you. One-on-one mock analysis, exam-specific workshops, doubt-solving sessions, daily quiz on Telegram, weekly GK videos, all important updates will be provided to you. And all of this is the lowest fee in the industry. So we are just one call away. You can call on any one of these students. So now, CAT cutoffs in percentile for all the IIMs. So general category, OBC category, EWS, SC, ST, PWD. ठीक है, now there are two types of cutoffs. One is call cutoff and one is admission cutoff. है ना, in this we are discussing about the call cutoffs. है ना, कि मेरे को इंटरव्यू कॉल आ जाना चाहिए. ठीक है ना, कॉल कटऑफ्स आपके किस किस पे डिपेंडेंट है? एक तो आपका ऑब्वियसली कैट स्कोर, फिर आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर रहा तो. ठीक है, अभी कॉल कट ऑफ, आफ्टर यू गेट द कॉल देन यू विल राइट दी ऐसे, है ना, वैट रहेगा, फिर यू विल अपियर फॉर एन इंटरव्यू. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट द एडमिशन कट ऑफ. अगर कट ऑफ क्लियर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा होता है. ठीक है, बट देन अभी हमारा टारगेट तो है कि पहले मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ जाए, है ना. तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन हम बाद में करेंगे. अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हियर इज कैट एग्जाम. ठीक है, क्योंकि 10th एग्जाम इट इज अ लॉस्ट बैटल. ये हो गई, जितना परसेंट आया उतना आया, अभी कुछ कर नहीं सकते. 12th एग्जाम भी हो गई, ग्रेजुएशन भी ऑलमोस्ट हो ही गया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का. जिनका हो गया वो तो कुछ नहीं कर सकते, जिनका नहीं भी हुआ है वो फाइनल ईयर में, उनके हाथ में 1 या 2 सेमेस्टर. ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो है, नहीं तो नहीं है. एक्स्ट्रा करिकुलर अगर 20 22 25 साल में अभी तक कुछ नहीं है, तो अभी भी 2 3 महीने में पॉसिबल नहीं. ठीक है ना, तो अभी मेन चीज जिसके ऊपर वी शुड फोकस इज योर कैट एग्जाम. ठीक है, नाउ दीज आर दी कट ऑफ फॉर आईएम अहमदाबाद जनरल कैटेगरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सेपरेट कट ऑफ आर मेंशनड ओवर हियर. ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी. ठीक है, तो एज यू कैन सी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट विल गेट अ कॉल एट 90% एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट विल गेट अ कॉल एट 99.5 99%. ठीक है, नाउ एज आई वाज सेइंग दैट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स विल फील बैड आफ्टर और फील सैड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, बिकॉज टू गेट इन टू आईएम्स यू विल एटलीस्ट नीड टू स्कोर 90%, है ना. यू विल एटलीस्ट नीड टू स्कोर 90%. इवन इफ यू वांट टू गेट इन टू आईएम जम्मू फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यू विल हैव टू स्कोर 93% एंड 90% फॉर नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. सो दिस डेटा इज कैट 2021 का डेटा, है ना. अभी आईएम जम्मू का ये क्या है, कैप राउंड का जो डेटा है जिसमें आईएम जम्मू भी आता है. 93% वाज द
cut off for general category students. 74% was the cut off for OBC, 70% for the EWS, 56% for the SC category students, and 40 percentile was the student cut off for the ST category students. ठीक है ना? तो this is the difference in the cut off for general category and ST category. And this is what I'm talking about cap rounds. Common admission process होती है जिसमें 5-6 IIM साथ में process conduct करते हैं. ठीक है, उसमें आपका IIM जम्मू बोध गया, ये जो नीचे के न्यू IIMs में से 5-6 IIMs होते हैं. तो getting, if you are a category student, let us say OBC or you belong to EWS category, SC, ST students, ठीक है, so getting into IIMs or getting into new IIMs or baby IIMs is considerably easy, है ना, क्योंकि अगर आप, let us say, if you are a ST category student, आपको तो 75% पे IIM Shillong का भी कॉल आ सकता है, ठीक है, we have had students, I mean, I know one of the students, he scored 88% he was a ST category student and converted IIM Bangalore. So that is possible as well. Why? Because he was an extraordinary student. CAT में 88% थे, but 2 साल का work experience था. Previous academics बहुत अच्छे थे, है ना? And swimming में भी कुछ medals वगैरह थे. तो अच्छा student था. Above average profile था उसका. So he could convert it at 88%. ठीक है, बट 88% इवन यू इफ यूर एस टी कैटेगरी कन्वर्टिंग आई एम बैंगलोर इज डिफिकल्ट. ठीक है, बट देन दीज स्टोरीज आर आउट देयर, है ना, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये तो मिनिमम आपको इतना तो लाना ही फॉर अ एवरेज कैंडिडेट. उसके बाद आपका परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एंड एस विल डिटरमाइन. ठीक है, इवन इफ यू आर ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट, इफ यू सी यू कैन गेट इन टू बेबी आई एम्स क्वाइट इजिली इफ यू स्कोर 75% अराउंड, है ना. कैप राउंड 2021 का कट ऑफ फॉर ओबीसी कैटेगरी वो 74% है, ईडब्ल्यूएस का 70% है, एससी कैटेगरी वाज 56% है, एंड एसटी कैटेगरी वाज 40% एंड पीडब्ल्यूडी वाज आल्सो 40% है. ठीक है ना, सो यू डिसाइड कि आप, मतलब आपको पता ही होगा कि आप कौन से कैटेगरी में हो, उस कैटेगरी में आप को किस कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ लगेगा, ये आपको समझ में आएगा इस टेबल से. ठीक है, सो गेटिंग इन टू आई एम्स, get scoring 75-80% is not that difficult. And to score 75-80% out of 198, you need to score only 60 marks. 60 out of 198 will fetch you 80% plus. 80% plus. 80% plus. And if you belong to category, so these are your target colleges. And these are your target colleges. ठीक है, यहाँ पे you can easily get into. फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स टू गेट इनटू आईएम्स मिनिमम 90% विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो डेफिनेटली क्वाइट इजियर फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड नॉट दैट फेयर फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, बट एज आई टोल्ड यू वी आर हियर टू टेल यू द फैक्ट्स, है ना, नॉट टू डिबेट अबाउट इट. तो ऐसा है. एनी अदर क्वेरी इफ यू हैव, यू कैन कनेक्ट ऑन एनी वन ऑफ दीज थ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट अवर वेबसाइट tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these two. Thank you so much. Jai Hind.